मैं कई बार मेरे कोई स्टूडेंट आके देता है, मैं कहता हूँ अरे एसडीएम ही होता है, एसडीएम बहुत तगड़ी चीज होता है। और तो मेरे कोई स्टूडेंट आता है, अरे नहीं नहीं सर आप भी तो, मैं कहता मैं मास्टर हूँ मास्टर, अरे नहीं नहीं सर आप बहुत बड़ी चीज हो, मैं जानता हूँ, मुझे भी मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार कोई स्टूडेंट उनके घर पर गए, हम 3 4 लोग उनके घर पर गए, मैं मेरे साथ में जो सर गए हुए वो आरएस लगे हुए, स्टूडेंट बहुत भला वो डिसेंट स्टूडेंट, उसने हमें इनवाइट किया स्पेशली, सर आना ही है हमारे घर पे कार्यक्रम है, आना है आना है, 10 फोन किए कोई, हमने कहा उसको कि यार 7 बजे क्लास छूटती है, पूरे दिन की मगजमारी होती है, जीव करता है फटाफट घर चले जाए यार, पूरे दिन के थके हुए हैं। उसने कहा नहीं सर अब आधा घंटे का रास्ता जयपुर से बाहर यहीं पर है, आ जाना सर, बस खाना खा के आ जाना सर, मुझे अच्छा लगे। हम भाई 5 7 लोग इकट्ठे होके गए वहां पर, आधे घंटे का पौने घंटा ही लगता है, ट्रैफिक रहता है शाम के टाइम, तो घर गए, उन्होंने खूब अच्छा स्वागत सत्कार किया, आपको अच्छा ही लगता है कि यार लोग कितना प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, आपको बुलाते हैं, वरना कौन बुलाता है आज के जमाने में किसी को बुलाता है। वहां जी में ताऊ जी का घर था उनके, नमस्ते की, ताऊ जी ने भी कहा रहे आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वापस निकलने लगे तो उसने कहा सर हमारे घर पे भी चलो आप, मेरे पापा नहीं उधर है घर पे है, तो पापा से भी मिल लो। लगा जब आए हुए हैं तो 15 मिनट पापा से दुआ सलाम कर लेते हैं, इसको अच्छा लगेगा, अपने गाड़ी उधर मोड़ दी। वो जैसे गया पापा सामने आए थे, पापा से मिलवाया सर ये हमारे सर है, पापा बहुत ही डिसेंट, अरे सर आओ सर आप हमारे घर पे, इससे अच्छा क्या होगा। इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे राजवीर सर, अरे ये आपकी तो बातें करता रहता है सारे दिन, आप तो वही है ना जो कहानियां वानियां सुनाते हैं, तब तक ये ऑनलाइन वाला नहीं था, आप वही है ना, मैं जी, आप भी यूं इतने भाव विरल होते हैं, आलादा फट जाऊंगा मैं अभी तक। अच्छा सर और आप कहाँ से हैं सर, मैं सर यहाँ से, अच्छा पापा क्या करते हैं, नॉर्मली यूँ बातचीत चल रही है। इतने में उस स्टूडेंट ने अपने पापा का, ये जो हमारे सर हैं ये तहसीलदार है, उसके बाद पापा ने मेरे से बात नहीं की। पापा ने कहा अच्छा आओगे वोस्टिंग कहाँ है, मैं फिर इतने में आ गई चाय, वो चाय आई अपने चाय उठाने वाले थे, इतने में स्टूडेंट ने और कहा कि ये जो सर हैं इनकी जो वाइफ है वो भी एसडीएम है। तब तो उन पापा का मेरी तरफ रवैया यूं था कि चाय मत भी छोड़। क्या करेगा चाय उठा के, मास्टर चाय पी रहा है तो। प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, ये आप तब फील कर पाओगे, या वो मैं टोल वाला हमेशा, अब तो क्या है ये जी टोल वाला सिस्टम खत्म कर दिया, फास्टैग वाला है ना, तो थोड़ा आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वरना आपका एक कार्ड है जिस पे लिखा हुआ है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आपका लिखा हुआ। आप कहीं जाते हो स्टाफ, पहली बात तो अगला देखता ही नहीं आपकी गाड़ी के आगे लिखा हुआ उपखंड अधिकारी, देखता भी है तो आपने जैसे आप अपनी गाड़ी में भी आपने कार्ड दिखाया, कार्ड दिखा दो, अरे अरे साहब गाड़ी साहब जान दो जान दो, आप गाड़ी निकल देता है। मैं एक बार मेरे किसी एक दोस्त की शादी के अंदर गया हुआ, दोस्त का भाई हमारे आरएस लगा हुआ, तो उस गाड़ी में उसने मेरे कहा कि अब वो सारे पूरे परिवार ही हमारा स्टूडेंट रहा, वो दोस्त भी स्टूडेंट, उसका भाई भी स्टूडेंट, उनके जो वाइफ है वो भी स्टूडेंट, पूरा परिवार ही, फैमिली इंस्टीट्यूट था स्प्रिंग बोर्ड उनका, तो ऑब्वियसली बात यार उनकी शादी में तो मैं जाऊँ, वो मेरा दोस्त। और तो उसने मेरे कहा कि यार तू एक दिन पहले आ जाना, बारात में भी चलना, तो मैं यार एक दिन पहले तो पार नहीं पड़ेगी, बारात में पक्का पक्का चलूंगा यार तेरी, तो ठीक। तो मैं दूसरे दिन बारात वाले टाइम से 2 घंटे पहले चला गया, खाना वाना खा के बारात रवाना होने लगी, तो वो जो दोस्त का छोटा भाई जो आरएस लगा उसने मेरे कहा कि सर मैं ना आपके साथ वाली गाड़ी में बैठूंगा, भली बात है तू आ जा मैं गाड़ी चलाऊं, वो मेरे साथ बैठा। तो उसने मेरे कहा कि सर 3 दिन हो गए शादी में भागते भागते, मेरे को नींद ही नहीं है और नहीं मिलता टाइम जी, घर में अपने शादी होती है, मैं सर सोऊंगा देखो, मैं सोचा तू आराम से, 2 बंदे और बैठे हैं साथ में, हम अताई तय करते करते चल लेंगे। उसने कहा सर टोल नहीं देना है कहीं, ये काट लो, और भली बात अपने 100 रुपए बचने ही है कहीं, दे दे। अब नॉर्मली क्या होता है, टोल पे 10 गाड़ियां खड़ी है, एक गाड़ी आपकी, 9 गाड़ियां दूसरी है, 9 गाड़ियां जो दूसरी है वो टोल दे रही है, आप चूंकि अधिकारी हो इसलिए आप टोल नहीं दे रहे, पर उस दिन तो बारात की गाड़ियां सारी एक साथ, बारात की गाड़ियों को कहते हो रहेंगे सबको एक साथ रखना, आगे पीछे मत हो जाना वरना आगे पीछे हो जाएंगे। तो और मैं चूंकि बाकी तो उनके बारात वाले उनके घर घर के थे, मैं थोड़ा बाहर का था, तो मैं पूरा ध्यान भी दिया होता कि बारात की गाड़ियों के साथ ही रखनी है, इधर उधर हो जाएगी तो भाई फिर अपने कहां पूछेंगे कहां रुकेगा, भाई बीच में होता है स्टॉपेज, यहाँ चाय पियेंगे यहाँ ये करेंगे, तो ये अपने को थोड़ी पता है यार, इनको पता है। अब बारात की गाड़ियों को पता चलता है सब गाड़ियों के पीछे दिल बना हुआ है, राकेश संगत्रिया सब में लिखा हुआ।
अपने ही वो पीछे मैरिज पार्टी वाला लगा हुआ गाड़ी एकदम उस, अब मेरे आगे आगे ठीक उसके चाचा जी की पापा गाड़ी, मैं को भाई ये तो घर के मौजीज आदमी है, इनके पीछे ही गाड़ी रखूंगा, ये जहाँ रोकेंगे वहां रोक ले। तो मैं उनके एकदम पीछे अड़ा के गाड़ी लगाई हुई एकदम। अब जैसे टोल पे गया, टोल उसने टोल वाले ने बंद किया, मैंने सीधा डाउन किया, कार्ड पकड़ा उसको, कार्ड पकड़ के उसने मेरी तरफ देखा। तो मुझे लग गया कि इसको लग रहा है कि तू तो शक्ल से ही आरएस नहीं दिखता। मेरे दाढ़ी तब इतनी थी, दाढ़ी बड़ी हुई, सर्दियों का टाइम तो वो कोई कोट भी वैसा ही हूं, वो फ्लेप वाला सा कोट पहना हुआ, तो मैं पूरा ड्राइवर लग रहा था एक। तो मैंने आतवाद कहा, अरे मैं ड्राइवर हूं साहब, सो रहे हैं। और वो मेरे बराबर सो ही रहा था, तो उसने वापस उसकी तरफ देखा, वापस गार्ड देखा उसकी तरफ। तो मेरे को यूं गुस्सा आया, मैंने उसका खड़ा हो रहा क्या है, ये मानते नहीं है तुम्हारे कार्ड, इससे अच्छा तो मैं 50 रुपए दे दूं यार, ये 10-10 मिनट लगाएंगे। तो उसने यूं खड़ा, उसने क्या हुआ, मग यार ये कितनी देर से आगे जाने नहीं दे रहा। तो उसने उसकी तरफ देखा, क्या रे कॉल इज गो। तो वो बेचारे टोल वाला था, बोले सके सर इस कार्ड से 9 गाड़ियां निकल चुकी है। हमने कार्ड कई बना रखी है फोटोकॉपी उसकी। नॉर्मली क्या होता है, आपकी पोस्टिंग है जयपुर, तो आपका कार्ड का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, जयपुर। आपकी बुआ का बेटा उस कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है हनुमानगढ़, आपके मामा का बेटा उस कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है कोटा, है ना। आपके और कोई रिश्तेदार लगता है उस कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है बीकानेर, 4 अलग अलग जगह कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर एक साथ सेम कार्ड, पंचायत या थी क्या, 9 चली गई 10 चली गई, ये बारात गाड़ी दिख नहीं रही। उसने अरे अरे साहब गुस्सा कर रहे, निकल रहे तो निकल। मुझे उस दिन वापस एहसास हुआ कि ये राजवी सामंत है, जो भी 9 गाड़ियां निकली है ये सामंत कौन से हैं, ये ना तो देंगे रेख, ना देंगे हुक्मनामा। सिंपली इस बात को यूं समझ लीजिए, आप एसडीएम लग गए, आज के सामंत आप, उस समय सामंत साई रक्त संबंधों पर आधारित थी, राजा के जो ब्लड रिलेटिव होंगे वही क्या बनेंगे, सामंत। सामंत मतलब प्रशासनिक अधिकारी। आज की नौकरशाही, आज का प्रशासन जो है योग्यता पर आधारित है, किस पर आधारित है, आपने पेपर पास किया, प्री पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू पास किया, तो आप क्या बन गए, प्रशासनिक अधिकारी। आज के सामंत आप प्रशासनिक अधिकारी बन गए, आपका सबसे अधिक फायदा आपकी निकट के 3 पीढ़ी वाले उठाएंगे, आपके नाम का सर्वाधिक इस्तेमाल वही कर सकते हैं, कि आपके चाचा जी वो किसी को जीने नहीं देंगे, है ना, वो कहेंगे भाई साहब तुम जानते नहीं यार अपना भतीजा है, आपके खुद के भाई, भाई एसडीएम है भतीजा, मैं एसडीएम, आप सामंत है, आप आपके भाई वो तो वैसे कपड़ों से बाहर रहेंगे, है ना, उन्होंने लगे यार अपना भाई है यार, इतना तो बनता ही है, आपकी औलाद उसको अपने आप स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, क्यों एसडीएम साहब का बच्चा है। तो भाई यही तो है, इस नौकरी में आपकी 7 पीढ़ियां सुधरती है। मैं हमेशा हंसता हूं कि भाई जब आप एसटीएम लगते हो ना, तो आप तो क्या पता उसको एंजॉय कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्यों आपके तो मगजमारी होगी भयंकर वाली, क्योंकि ये नौकरी नहीं है, सेवा है। क्या है, लिखा हुआ बाकायदा राजस्थान प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सिविल सर्विस है, नौकरी थोड़ी लिखा हुआ है। नौकरी का मतलब होता है 9 से 5, वह आप 9 बजे गए, 5 बजे टाटा बाय बाय किया और आगे, या ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा होगा आपके साथ, आप एक दिन 9 बजे अपने ऑफिस में जाएंगे, 5 बजे तक आप रेवेन्यू की फाइलें सुलझा रहे थे, रेवेन्यू के मामले, 2 भाई आपस में लड़ लिए, किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार के मामले हैं, कोई पति पत्नी के बीच का डिस्प्यूट है, ऐसा कोई भी मामला, बेटे के दूसरे भाई के बीच में डिस्प्यूट है, आप वो मामले सुलझा रहे थे। 5 बजे आप अपने ऑफिस से निकले, अपने घर पहुंचे, 6:30 घर पहुंचे, आपने अभी शूज उतारे ही है, इतने में आपके पास कोई फोन आता है कि आपके जहां पर आपका हेडक्वार्टर है वहां से 30 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर किसी एक गांव में सड़क निकल रही है, और किसानों ने हंगामा कर दिया कि खेत में से सड़क निकलने आइए, आप वापस जूते पहनेंगे, अपने पहले पुलिस को फोन करेंगे, जो भी वहां के डिप्टी साहब उनको फोन करेंगे कि प्लीज पुलिस लेके वहां पर आ जाओ, हो सकता है ना किसान वहां पर बाटे मार दे, भीड़ है, भीड़ का तो कोई भरोसा नहीं ना, है ना, या कोई कोई दूसरा ऐसा कोई भी काम है कि भाई कोई एक्सीडेंट हो गया तो रोड ब्लॉक कर दी, भीड़ में गुस्सा है कि सड़क में खड्डे हो रखे हैं इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं, और हमने इतनी बार कह दिया प्रशासन को लेकिन ये खड्डे भरती नहीं, और लोग बाटे ले लेके तैयार खड़े,
जाके समझाना आपको है, आप वहां के सामंत है, सब कुछ जिम्मा आपका है, आप पुलिस लेते हैं साथ में, पुलिस लेके आप पहुंचे, तब तक तो पुलिस को बुलाया, आप वहां गए, तब तक मान लो आपको 8 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, आप 8 बजे गए, किसानों के या जो भी भीड़ है वहां पर या जो भी गांव वाले हैं उनसे आपने बातचीत करनी शुरू की, गांव वाले भी मानने के लिए तैयार नहीं, आपने कहा एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं, मैं मुआवजा दिलवाऊंगा इसका, मैं सरकार से बात करूंगा, गांव वाले कह रहे अभी के अभी दिलाओ, हाथों हाथ यही आना चाहिए, इस प्रकार की बातें होती है। आपको रात की 11 बज रहे हैं वहां उस मीटिंग में, फाइनली कोई गांव वाले माने 11 बजे, 11 बजे आपने आपका जो भी जूनियर थे उनको कहा कि तुम थोड़ा संभालना, यहाँ वाला मामला तुम देखना, मेरी सुबह 7 बजे कलेक्टर साहब के साथ VC है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मेरे को जाके सोना ही पड़ेगा। आप 12-1 बजे वहां से आते हैं, सुबह 7 बजे आपको उठना ही पड़ेगा, VC में अटेंड होना ही पड़ेगा, आपने VC अटेंड की, आपको पता था कि आज 8 बजे फलाने मंत्री जी भी आने वाले हैं, आपको हाथों हाथ कपड़े पहन के मंत्री जी के प्रोटोकॉल के अंदर जाना पड़ेगा, पूरे दिन मंत्री जी जहां जहां जाएंगे वहां खड़ा रहना पड़ेगा, आप वास्तव में सेवा कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? उसी समय, ठीक उस समय जब आप किसी मंत्री जी के साथ में खड़े हो रहे होते हैं, आपका भाई कहीं और कर रहा होता है कि टोल, किस बात का टोल रहे मैं टोल दूंगा, इधर देखना एक बार, इधर सकल सकल देगी, ये कार्ड नहीं दिख रहा तेरे को, और कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, नाम आपका, पद आपका, टोल के मजे कौन ले रहा है? तो निकट 3 पीढ़ी वाले राज भी होंगे, इसलिए जब आप बाकी नौकरियां कि आप, मैं कहता हूं टीचर बन गए है ना, आप कोई किसी नौकरी के अंदर चले गए कि आपको दूसरी कोई नौकरी के अंदर चले जाते हैं तो आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब आप एसटीएम बनते हैं तो आप नहीं, आपके पापा, आपके चाचा, आपके भाई सारे एसटीएम बनते हैं, और लोगों का जो रवैया होता है ना वो ठीक बदल जाता है। अब हो सकता है आपके पापा टीचर हैं, आपके पापा दुकान चलाते हैं, आपके पापा किसान हैं, आपके पापा कॉन्स्टेबल, चूंकि हम मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों से आते हैं, यही नौकरी है अपने घरों में, पर जैसे आप एसटीएम बनते हैं आपके पापा एसटीएम, इसलिए मैं कहता हूं इस नौकरी के लिए तो लोग कहते हैं सर 3 साल लग जाते हैं, मैं को 10 साल भी लगे तो करनी चाहिए ना, ये नौकरी थोड़ी यार, ये आज का प्रशासनिक ढांचा है, आज सब कुछ वही होता है, आसपास वाले जो होते हैं उनको बाद में, मतलब फिर किसी भी, अब किसी कोई गांव में कोई शादी है, आपके पापा उस गांव की शादी में जाते हैं, आपके पापा एक गांव वाले की हैसियत से है, जिनको एक निमंत्रण मिला था कि फलाने जी आप भी आना, आपके पापा एक कार्ड लेके जाते हैं, लिफाफे में जमा करवाते हैं, लो भाई हमारी तरफ से 101 रुपए लिख लो, और खाना खा के चुपचाप आ जाते हैं। ठीक है, आपके पापा टीचर है, पुलिस में, दो को चार लोग मिले भाई लोग, और नमस्ते नमस्ते, और कैसे साहब, ठीक, कितने? जब आप एसटीएम होते हैं रेड कार्पेट बिछाते हैं लोग, रेड कार्पेट आपके पापा के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, जब फलान जी के पापा आएंगे, आप कहीं बैठ के दिन में रगड़ रहे हो कागजी कार्रवाई, आपके पास में ऐसी छोड़ी है, कूलर भी नहीं है, एक फैन लगा हुआ है, और वो पुराने टाइम का फैन लगा जो आपको लग रहा है कभी भी मेरे ऊपर गिर सकता है, आपके पास ढंग का ऑफिस भी नहीं है, है ना, दूर दराज के किसी इलाके में आपकी पोस्टिंग हो गई तो आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पापा उधर कहीं रेड कार्पेट के मजे ले रहे हैं, तो चार लोग घर साहब और साहब आपके लिए और कुछ लेके आए, अचानक मैं कहता हूं उम्र बढ़ जाएगी 5 साल, ये बड़ा अलग रिवाज है भाई साहब, इसमें ये तब लोग मरते हैं ना इन चीजों के लिए, नौकरी बाकी नौकरियां थोड़ी है, ये कोई नौकरी थोड़ी करोगे आप, इसका मतलब 7 पीढ़ियां तिरेगी, इसलिए इसमें तो जितना पढ़ा जाए, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी की जाए, ये तो आप रात को सोते बैठते उठते खाते पीते ये सोचा करो कि मैं जिस दिन लग गया किस किस से कौन कौन सा बदला चुकाना है हाँ गिन गिन के बदले चुकाओगे, वैसा ये मजे है यार इस सर्विस के, ये अलग प्रकार की सर्विस है,